लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं MongoDB का डेटा मॉडल। अभी डेटा मॉडल का मतलब क्या होता है? सी, कोई भी डेटा रखने का एक तरीका होता है। ओके सो किसी भी अगर डेटा को आप रखने का तरीका बात करते हो तो वो हो जाता है उसका डेटा मॉडल। वैसा MongoDB का भी अपना खुद का डेटा मॉडल है। अभी अगर MongoDB के डेटा मॉडल का बात करें तो सबसे पहला कि MongoDB का डिप्लॉयमेंट कैन हैव मेनी डेटाबेस। देखो अब हम लोग डेटाबेसेस के बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं कि वी हैव अ डेटाबेस। ओके और डेटाबेस कैन हैव मल्टीपल टेबल्स इनसाइड इट एंड दिस टेबल्स मे बी हैविंग एनी रिलेशन बिटवीन एनी टेबल। ओके एंड दिस टेबल्स इफ आई एलाबोरेट आई कैन से देयर आर सम रोज एंड कॉलम्स। सो दिस इज हाउ अवर डेटाबेसेस एक्चुअली RDBMS ऐसा ही दिखता है। देन ईच डेटाबेस इज अ सेट ऑफ कनेक्शंस। नाउ यार अभी इसको कंपैरिजन में अभी फिलहाल के लिए लेते, इतना दिमाग के अंदर रख दो कि ईच डेटाबेस मतलब DB के अंदर होता है, डेटाबेस के अंदर होता है अपना कलेक्शन। ओके सो अब कलेक्शन का अगर बात करें तो इट इज मच मोर सिमिलर। ओके कलेक्शंस आर मच मोर सिमिलर टू टेबल्स। ओके सो हम लोग है ना साइड बाय साइड इसका एक डायग्राम निकालते छोटा सा। ओके डीबी अपना मोंगो वाला। ओके और ये मेरा RDBMS। ओके सो यहां पे भी डीबी है। श्योर सो अब अगर मैं बात करता हूं MongoDB के अंदर, इसके अंदर डीबी के नीचे कौन होता है? मेरे कलेक्शंस। ओके और यहां पे डीबी के अंदर क्या होता है? मेरा टेबल्स होता है। तो अगर मैं रिलेशन देखूं तो MongoDB के अंदर कलेक्शन होता है और RDBMS के अंदर डीबी के अंदर टेबल्स होता है। ओके सो आगे जाएंगे तो हम लोग को एक समझ में आएगा, ईच कलेक्शन हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। सो कलेक्शन कैन हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्स। सो अब टेबल्स के अंदर क्या होता है? तो होता है रोज। आर गेटिंग इट? सो अगर मैं RDBMS को कंपेयर करूं तो यहां पे डॉक्यूमेंट्स कहलाता है रोज RDBMS में, और वही हमारे MongoDB में क्या कहते हैं उसको? डॉक। ओके और आई कैन से डॉक्यूमेंट्स। सो इट इज प्रीटी सिंपल, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। हम लोग आगे जाते जाते इसको सही तरीके से देखते जाएंगे। सो सिंगल डेटाबेस कैन हैव मल्टीपल कलेक्शंस, इट इज वेरी मच सिमिलर। एक सिंगल डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, वैसे यहां पे मल्टीपल कलेक्शन हो सकते हैं। ओके देन वन कलेक्शन कैन हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। ओके सो इट इज प्रीटी सिंपल, एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इट इज प्रीटी सिंपल। ओके सो अगर मैं बात करता हूं मेरा रिलेशनल और MongoDB के बारे में, तो ये देखना कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस कैसा है और MongoDB कैसा है। सी अब अगर मैं बात करता हूं कि ये चारों चीजें जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ओके दीज आर इंटर रिलेटेड। ओके सो दिस रो, दिस टेबल एंड दिस टेबल रोज आर इंटर रिलेटेड एंड इट आई कैन से पॉइंट्स टू अ सिंगल यूजर विच इज अ मैरी चॉन्स। ओके सो रिलेशनल डेटाबेस के हिसाब से ये एक टेबल है। ओके इस टेबल के अंदर हम लोग ने यहां पे प्राइमरी की दिया है और यहां पे उसका फॉरेन की है, तो दिस इज माय फॉरेन की। ओके सो लेट्स राइट इट, दिस इज फॉरेन की एंड दिस इज अगेन योर फॉरेन की। सो हाउ आई विल लिंक इट? आई विल लिंक इट इन दिस वे। ओके सो अब क्या होगा कि अगर मुझे मैरी जॉन्स का डेटा एंटर करना है तो मुझे कितना इंसर्ट क्वेरीज लगेगा? फर्स्ट इस टेबल के लिए इंसर्ट क्वेरी, देन यहां पर डालने के लिए इंसर्ट क्वेरी, देन यहां पे डालने के लिए इंसर्ट क्वेरी और यहां पे डालने के लिए इंसर्ट क्वेरी। सो आई विल बी नीडिंग प्लेंटी अमाउंट ऑफ इंसर्ट क्वेरी हियर। सो दिस इज अ बेनिफिशियल, आई कैन से इट बेनिफिट्स यू इन अ ट्रेडिशनल वे, बट ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। क्या हो जाता है? लेंथी प्रोसेस, मतलब एक एंट्री करने के लिए 10 टेबल के अंदर एंट्रीज करना। ओके एक्चुअली ये जरूरी भी है क्योंकि RDBMS के हिसाब से, बट अगर MongoDB का बात करें तो MongoDB बोलता है कि यार ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, यू क्रिएट वन डॉक्यूमेंट एंड इन वन डॉक्यूमेंट यू कैन हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स विच यू वॉन्ट टू स्टोर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टोर यू कैन स्टोर इट। सो इट इज प्रीटी सिंपल, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम है, यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐसा बन गया और इसका नाम क्या है? मैरी। सो ऐसा करके मैंने क्या कर दिया, इसका इंफॉर्मेशन लेने को चालू कर दिया। वैसा ही मेरे पास क्या है? लोकेशन है, तो लोकेशन के अंदर मैंने टाइप क्या बोल दिया? पॉइंट्स। अभी यहाँ पे ये टाइप है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सी ये कंपलसरी नहीं है लिखना, लेकिन है ना हम लोग को समझने के लिए हम लोग टाइप लिखते हैं, क्योंकि टाइप बोल दिया तो डेटा टाइप हो जाता है, टाइप बोल दिया तो क्या हो जाता है? डेटा टाइप। सो डेटा टाइप अगर मैंने बोल दिया ना तो समझ जाओ कि टाइप ही रहेगा। ओके ये हम लोग को समझने के लिए है, आप टाइप के जगह पे डेटा टाइप भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू।
MongoDB is very much flexible. आपको अपने हिसाब से करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो. ओके, सो एक ही बार में इसने एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर उसने लोकेशन भी बता दिया. देन उसका प्रोफेशन, देखो प्रोफेशन को उसने एरे की तरफ हिसाब से डाल दिया. आई कैन से अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल प्रोफेशन. ओके, अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल प्रोफेशन. तो यहां पे मैं प्रोफेशन ऐड करेगा, वैसे यहां पे भी ऐड करते जाएगा इन एन एरे. ओके, देन जब मैं यहां पे इधर का बात कर रहा हूं, यहां पे मैंने बोल दिया कि मैरी जोन्स के पास कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि एप्स कौन कौन से इंस्टॉल्ड है. ओके, देन इसके पास कौन कौन सी कार्स है, तो यहां पे बेंटली है, रोल्स रॉयस है, तो ये भी उसने एक एरे के अंदर डाल दिया. सी हियर दिस एरे प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एंड दिस इज कॉल्ड एज यूर ऑब्जेक्ट. कर्ली ब्रेसेस इज कॉल्ड एज यूर ऑब्जेक्ट. सो देख लो, एक झटके में आपका पूरा डॉक्यूमेंट रेडी, जबकि यहां पे यू हैव टू ऐड प्लेंटी अमाउंट ऑफ डेटा. सो इंसर्ट करने के लिए डेटा रिलेशनल से ज्यादा बेटर कौन है? MongoDB. ओके, दिस इज द फर्स्ट आई कैन से मेरिट है. अब अगर मैं बात करता हूं रिट्रैवल का, रिट्रैवल मतलब क्या कि स्टोर करना, ठीक है, मतलब आप लोगों ने फेसबुक के अंदर अकाउंट बना लिया, लेकिन अगर आपको अकाउंट बनाने के बाद आपको उस अकाउंट के अंदर के डिटेल्स रिफ्रेश करने या फिर रिट्राइव करने हैं, ओके, रिट्राइव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब रिलेशनल डेटाबेस का अगर बात करें ना, तो सबसे पहला चलता है अपना जॉइन, एंड जॉइन इज वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? जब मैं एक्सपेंसिव का बात करता हूं, दिमाग के अंदर यह रख देना कि एक्सपेंसिव इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर. ओके, सो प्रोसेसर ज्यादा यूज हो सकता है, रैम ज्यादा यूज हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, आई विल फर्स्ट जॉइन ऑल दिस टेबल. So whenever I am going to join all this table, it is going to create first a Cartesian product. Okay, RDBMS के अंदर Cartesian product नाम का एक चीज होता है जो सारे tables को सबसे पहला एक साथ लाता है. Then वो उसके अंदर से filtering करके आपको ये output देता है. इसका मतलब Cartesian product बनाने के लिए हम लोग को RAM की जरूरत गिर सकती है. RAM की जरूरत क्यों गिरेगी हम लोग को? क्योंकि data temporary store करना पड़ेगा. श्योर, और ये प्रोसेस करने के लिए हम लोग को क्या लगेगा? प्रोसेसर लगेगा. सो नाउ व्हेन द डेटा इज रेडी, मतलब हमारे पास पूरा डेटा रेडी है, इसके बाद में हम लोग उसको फिल्टर कर सकते हैं. बट इन MongoDB इफ यू से आई जस्ट वॉन्ट टू सी अ पर्सन हु इज हैविंग अ नेम, आई कैन से मैरी जॉन्स, एंड उसका प्रोफेशन डेवलपर होना चाहिए और उसके पास बेंटली कार होना चाहिए. ओके, तो जैसे मैंने उसको ऐसा बोल दिया, कुछ सर्चिंग क्राइटेरिया दे दिया, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स में, हर एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सब कुछ ढूंढने को चालू कर देगा. इसके अंदर से वो जो इंडेक्स चीज है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सर्चिंग के लिए फास्ट होना. देखो अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग आपका बुक लेते हो. ओके, आई नो यू हैव रेड द रेफरेंस बुक. तो रेफरेंस बुक के अंदर आप लोगों ने एटलीस्ट पहला इंडेक्स देखा रहेगा. अब इंडेक्स के अंदर आप लोगों को क्या दिखता है? The main important topics. आपको क्या दिखाई देता है? मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब ये जो टॉपिक है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है ये इंडेक्स में नहीं दिखाई देगा, लेकिन उस टॉपिक का जो मेन नाम है यहां पे दिखाई देगा. और एक्चुअल में आप लोग टॉपिक को ढूंढते हो, तो आप लोग जब इस टॉपिक को ढूंढते हो ना, तो ये टॉपिक डायरेक्टली आपको वहां पर लेकर जाएगा. तो इसका मतलब दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडेक्सिंग. वैसा ही हम लोग को डिसाइड करना होता है किस चीज से या फिर किस फील्ड से मैक्सिमम लोग सर्च करते हैं. नाम से इसको इंडेक्स कर दो, ताकि जब भी मुझे ढूंढना हो तो मैं पूरा डॉक्यूमेंट ना ढूंढूं, मैं सिर्फ इंडेक्स को ही ढूंढूं. ये भी पार्ट है, आगे जाकर आपको देखने को मिल जाएगा. ओके, सो इंडेक्स को ढूंढने का अगर तरीका आप लोगों ने बना दिया, यू कैन हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ इंडेक्स, ये वाला, देन आई कैन से प्रोफेशन को भी आप इंडेक्स कर सकते हो. बट आई डोंट थिंक कि प्रोफेशन इंडेक्स करोगे तो सही रहेगा. कहीं पे नेम एंड वैल्यू रहेगा ना, आई कैन से की एंड वैल्यू रहेगा, जैसा ये की एंड वैल्यू है वहां पे इंडेक्स करोगे तो वो बेटर रहता है. ओके, सो मैंने सिर्फ इसके ऊपर इंडेक्स करके रखा था, तो मैरी जोन्स बोल दिया तो मेरे को 1000 डॉक्यूमेंट्स मिल गए. अब 1000 डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद मैंने क्या बोल दिया, उसके अंदर से मेरे को कौन चाहिए? प्रोफेशन डेवलपर चाहिए. तो उसके अंदर से मैंने डेवलपर्स निकाला, तो मेरे को उसके अंदर से क्या मिल गया? मेरे को सही सही अगर देखने को जाएंगे तो मेरे को उसके अंदर से 10 रिकॉर्ड्स मिल गए, 10 डॉक्यूमेंट्स. ओके, तो 10 डॉक्यूमेंट्स में से मैंने बोला बेंटली किसके पास है, तो मेरे को 2 रिकॉर्ड्स मिल गए. ओके, सो इसके अंदर से मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा मैरी जॉन्स को मैं जानता हूं. ओके, तो उसका मैं फोटो बीटो देखकर फेसबुक के ऊपर पहचान लेगा, या फिर उसका कोई आई कैन से
सिमिलर चीज मेरे को अगर याद आए मेरा फ्रेंड है, ओके मेरी फ्रेंड है, तो वैसा मैं उसका पिक्चर विक्चर देखकर पहचान लेगा. श्योर, क्योंकि हो सकता है कि प्लेंटी अमाउंट ऑफ मेरी जॉन्स विल बी अवेलेबल, वो डेवलपर भी हो सकते हैं और उनके पास बेंटली कार भी हो सकती है. ओके, सो अपने को लास्ट में खुद को ही सर्च करना पड़ता है, एवरीथिंग इज नॉट ऑटोमेटेड. सो दिस इज हाउ यूर रिलेशनल एंड मोंगोडीबी इज आई कैन से डिफरेंशिएटेड. स्ट्रक्चर को समझो, जितना बार देखने का देखो लेकिन स्ट्रक्चर को समझो. ठीक है, सो सबसे पहला कौन आता? डेटाबेस. डेटाबेस के अंदर कौन आता? कलेक्शन. कलेक्शन के अंदर कौन आता? डॉक्यूमेंट. याद रखना DCD. ओके, डेटाबेस डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट आई कैन से डेटाबेस कलेक्शन डॉक्यूमेंट. श्योर. नाउ RDBMS के अंदर क्या होता है? एक चीज होता है यार, फिक्स कॉलम्स. ओके, लेकिन MongoDB इज फ्लेक्सिबल. ओके, इसके अंदर कॉलम्स फिक्स नहीं रहते, यू कैन एड प्लेंटी अमाउंट ऑफ कॉलम्स, प्लेंटी अमाउंट ऑफ फील्ड्स कैन बी एडेड. ओके, और यहां पे हमारा जो MongoDB के अंदर डेटाबेस के अंदर, आई कैन से MongoDB के अंदर जो डेटा स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन की एंड वैल्यू पेयर. सो दिस इज अ की एंड दिस इज द वैल्यू. ओके, सो आई कैन से दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू स्टोर. दैट्स इट, इट्स प्रीटी सिंपल. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. सो सबसे पहला लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन अ डॉक्यूमेंट. द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ओके, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट होल्ड्स द नेम एंड द फोन नंबर ऑफ द यूजर्स. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. नाउ आई एम हैविंग अ यूजर. ओके, यूजर को हम लोग एक नाम देते हैं, तो नाम क्या हो गया इसका? की हो गया. और ABC क्या हो गया? इसका वैल्यू हो गया. सो नाम की है, ABC वैल्यू है, यहां पे कौन है? फोन. फोन इज अ की एंड दिस एरे इज नथिंग बट माय वैल्यू. ओके, नाउ यू टेल मी हाउ मेनी फोन नंबर्स डू यू हैव. आई कैन से बहुत लोगों के पास दो नंबर तो हो गए, लेकिन कुछ और लोग भी रहते हैं जिसके पास दो मोबाइल रहते हैं, ड्यूअल सिम होते हैं, तो उनके पास तो आई कैन से नंबर ही नंबर होंगे. ओके, सो दिस इज हाउ दिस MongoDB कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वेरी वेल. सो डायनामिक स्कीमा, ओके, डायनामिक स्कीमा मीन्स दैट डॉक्यूमेंट विद इन द सेम कलेक्शन कैन हैव अ डिफरेंट और अ सेम सेट ऑफ फील्ड्स और स्ट्रक्चर. इवन कॉमन फील्ड कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज अक्रॉस द डॉक्यूमेंट. ओके, सो ये तो अलग बात है, लेकिन पहला हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखो RDBMS के हिसाब से यहां पे ये मेरा प्राइमरी की है, ये मेरा नेम है और ये मेरा फोन नंबर. से अभी सैम बोलता है, सुन यार मैंने और दो फोन नंबर लेके रखे, वो भी ऐड कर दे. नाउ अकॉर्डिंग टू DBMS वो बोलेगा, अरे सुन यार दो नंबर ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं और अभी मेरे को नया कॉलम्स डालना पड़ेगा. अब बोला कि अरे यार नया कॉलम्स डालना मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे जाकर मेरा एप्लीकेशन फट सकता है क्योंकि तूने कॉलम्स ऐड कर दिया एक्स्ट्रा. सो क्वेरीज वेरीज बराबर चलेगा नहीं. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? इट इज प्रीटी सिंपल. वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टेबल इन अ डिफरेंट वे. सो हम लोग एक आई कैन से पर्सनल नाम का एक टेबल बनाएंगे और यहाँ पे फोन नंबर्स नाम का टेबल बनाएंगे और इस फोन नंबर्स के अंदर मल्टीपल फोन नंबर्स लिखेंगे. सो यहाँ पे फोन नंबर का टाइप हो गया आई कैन से स्ट्रिंग. ठीक है, श्योर, इट इज प्रीटी सिंपल. स्ट्रिंग में डाल देगा मैं और मेरा काम हो गया. सो अभी पंगा क्या है कि सब कुछ अपना सॉल्व हो गया, RDBMS ने हमारा सॉल्यूशन दे दिया. एक बंदे के पास कितना भी फोन नंबर होगा डाल सकते हो. अभी और एक फोन नंबर आ गया, डाल दो 66777. ओके, डाल दिया फोन नंबर. ये चारों के चारों फोन नंबर किसको रिलेट करते हैं? सैम को. अपना काम तो हो गया, लेकिन यहां पे स्ट्रिक्टनेस आया. क्या आया? स्ट्रिक्टनेस मतलब यहां पे मैंने वायर कैर बोल दिया है, तो इसका मतलब आई कैन स्टोर वायर कैर डेटा ओनली. ओके, नाउ we need a dynamic schema. Means what? अगर मुझे चाहे, अगर मैं चाहूं तो यहां पे अपना विजिटिंग कार्ड का फोटो भी चिपका सकता हूं. ऐसा कर सकता है क्या DBMS? नहीं, क्योंकि यहां पे कंस्ट्रेंट है वेर क्या. इट इज नॉट पॉसिबल. दैट्स द प्रॉब्लम. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू सी दिस थिंग अगेन. Dynamic schema means that a document with the same collection can have the same or different set of fields. Same or different set of fields. मतलब ऐसा compulsory नहीं कि phone number 2 and all these things same ही रहेगा. अलग अलग हो सकता है.
एंड इवन कॉमन फील्ड्स कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू. कॉमन फील्ड्स मतलब फोन, इसके अंदर क्या है, वेयर क्या डेटा जाएगा, लेकिन यहां पे मैं पिक्चर भी स्टोर कर सकता हूं. दैट इज द बेस्ट थिंग मोंगोडीबी प्रोवाइड्स. हाँ, डेवलपर को थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन स्टोर करने का तो तरीका मिल गया ना, दैट्स इंपॉर्टेंट. सो मोंगोडीबी के अंदर ऐसा रिजिडनेस ही नहीं है, आपको जो चाहिए डाल दो बिंदास. ओके, रिट्राइव करने का तरीका आप डेवलपर के पे छोड़ दो. ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे एक प्राइमरी की बना के रखा है, अज्यूम कर लेते हैं आर अंडरस्कोर आईडी, एंड देन आई एम सेइंग ये है उसका आईडी. सो इट इज अ स्ट्रिंग एंड यहां पे नेम इज नथिंग बट यूनाइटेड स्टेट. सो ये रीजन है, रीजन का नाम है मेरा यूनाइटेड स्टेट. ओके, देन वन मोर डॉक्यूमेंट इज एडेड, उसके अंदर आर आईडी इज 1234. नाउ इट इज व्हाट, इट इज अ न्यूमेरिक. नाउ सी सेम RID is the same column, but the thing is that it can store string also, it can store numeric also. So this was the rigid thing in your RDBMS. Lekin MongoDB ke andar possible. Now what happened? Yahan pe do hi column tha, RID and name. Yahan pe RID, name and country, teen hai. Possible, you can store the data. Okay, iska rigidness pura nikal gaya. You can have a dynamic schema. Sure. So this is how it is going to work. यहाँ पे उसने क्या बोल दिया कि यहाँ पे name was the United State, अभी यहाँ पे country United State और name के अंदर United State के अंदर का county आ गया. Okay. So this is how your MongoDB is going to support you to store a different type of documents. Okay. So collections documents can have entirely different schemas, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में आप डेटा स्टोर कर सकते हो. इट फॉल्स टू द एप्लीकेशन टू स्टोर द डॉक्यूमेंट इन द पर्टिकुलर कलेक्शन टूगेदर और टू हैव अ मल्टीपल कलेक्शन. एक कलेक्शन में डालो या फिर अलग अलग कलेक्शन बनाकर डालो. ओके, एक ही कलेक्शन के अंदर मल्टीपल स्कीमा डाल दो, कोई फर्क नहीं गिरता, या फिर अलग अलग कलेक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्कीमा डाल दो, कोई फर्क नहीं गिरता. Sure, that flexibility is given to you. Sure, अब डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए, मतलब हम लोग को डेटा स्टोर करने के लिए जेसन नाम का फॉर्मेट यूज होता है, लेकिन मेरा MongoDB उसको बीसन के तौर पे रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो जेसन डॉक्यूमेंट कैन बी जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी स्टोर हो सकता है. इट कैन बी स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरेज, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, इट लुक्स लाइक दिस. श्योर, सो यहां पे आप लोग को जो कुछ भी कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट माय डॉक्यूमेंट. श्योर, सो अब यहां पे जो कर्ली ब्रेसेस है वो मेरा डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर जो आपको मिल रहा है कर्ली ब्रेसेस, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज एन ऑब्जेक्ट, याद रखना. ठीक है, सो अब यहां पे मैंने क्या डाल दिया, ऑब्जेक्ट डाल दिया. इट्स प्रीटी सिंपल. अभी नेम इज फर्स्ट एंड लास्ट. सो यहां पे मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए, नेम के अंदर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, बाकी मैं सब कुछ संभाल लेगा, दैट्स इट. ओके, देन पब्लिकेशंस के अंदर हम लोग ने देखा एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, एरे, और कर्ली ब्रेसेस क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट. अभी देखो एरे के अंदर भी हम लोग ने क्या डाला है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डाला है. एरे के अंदर हम लोग ने क्या डाला है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डाला है. हाँ, ये ऑब्जेक्ट का टाइप सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे टाइटल ईयर पब्लिकेशन है, टाइटल ईयर पब्लिकेशन है, तो ये रिट्राइव करने में भी थोड़ा आसान होगा. यू कैन हैव मल्टीपल, आई कैन से, ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इट. तो इसमें कोई आपको बोलते हैं ना कि कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं, तीन डालो, चार डालो, पांच डालो, आपके ऊपर है. ओके, नाउ द थिंग इज व्हेनेवर आई टॉक अबाउट बाइनरी जेसन, इसका मतलब भी उसको कहते हैं बीसन. ओके, तो MongoDB स्टोर्स द जेसन डॉक्यूमेंट इन एन बाइनरी एनकोडेड फॉर्मेट, जिसको ही कहा जाता है बीसन. ओके, दिस इज टर्म्ड एज अ बीसन, दैट्स इट. ओके, द बीसन डेटा मॉडल इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ यूर JSON data model. That's it. MongoDB का implementation ये कहता है कि JSON document fast है, okay, traversable है और lightweight है.
ओके, तो ये उसका खूबियां हुई कि आई कैन से डिसेंट डॉक्यूमेंट, फास्ट ट्रैवर्सेबल है एंड लाइट वेट हुआ. अभी इट सपोर्ट्स एम्बेडिंग ऑफ एरेज एंड ऑब्जेक्ट विद इन अदर एरेज. इट ऑल्सो इनेबल्स मोंगोडीबी टू रीच इनसाइड द ऑब्जेक्ट्स टू बिल्ड इंडेक्सेस एंड मैच ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ क्वेरीड एक्सप्रेशन. यार बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस लग रहा है मेरे को ये, कुछ नहीं है. सी इट सपोर्ट्स एम्बेडिंग ऑफ एरेज एंड ऑब्जेक्ट, राइट? एरेज ऑब्जेक्ट को एक ही डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो तुम, राइट? तो एम्बेडिंग हुआ क्या नहीं हुआ, श्योर? देन इट ऑल्सो इनेबल्स मोंगोडीबी टू रीच इनसाइड द ऑब्जेक्ट टू बिल्ड इंडेक्सेस. अभी देखो, मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा हूं, ओके? अंदर आने के बाद मैं इसके ऊपर इंडेक्सिंग कर सकता हूं, ओके? और इसके अंदर के मैं आई कैन से इसके अंदर के ऑब्जेक्ट के अंदर का भी डेटा को मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूं. इंडेक्सिंग क्यों किया जाता है? फॉर फास्टर रिट्रैवल. तो ये भी एक मेरिट ही हुआ ना, ताकि अगर मैं इंडेक्स बिल्ड करूंगा तो मुझे सर्च करने में थोड़ा आसानी होगा. मतलब आसानी नहीं बोल सकता मैं, इट विल बी मोर फास्टर. ठीक है. नाउ द थिंग इज दैट इन योर RDBMS वी हैव समथिंग कॉल्ड एज योर प्राइमरी की. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ प्राइमरी की? व्हिच रिप्रेजेंट्स अ रो. हम लोग रो को एक अलग नाम से भी जानते हैं, याद है? इसको कहते हैं टपल. ओके, हर एक टपल यूनिक हो सकता है इफ इट इज हैविंग अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. सो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज नथिंग बट माय प्राइमरी की व्हिच रिप्रेजेंट्स माय एवरी रो यूनिकली. ओके, मतलब यहां पे मेरा सैम है, सैम है, सैम है, सैम है, सैम है. एवरी कॉलम इज, एवरी रो इज हैविंग अ नेम सैम. And here I am having 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. So, अगर मैं देखने जाऊंगा तो every row is uniquely represented. So, and that's create a difference. Sure. So, जैसा RDBMS है वैसा ही यहां पे भी हम लोग को एक identification number मिल सकता है. हाँ, but the only thing is that RDBMS strict है या फिर वो rigid है, लेकिन ये कौन सा है, ये कैसा है? MongoDB is flexible. You can store any data inside it. Sure? RDBMS के अंदर जैसा आपका primary key होता है, वैसे ही आप लोग के पास यहाँ पे भी एक primary key होता है. Okay? इस primary key को हम लोग refer करते हैं ID के नाम से. Underscore ID. वापस देखना. क्या कहते हैं उसको? Underscore ID. MongoDB के अंदर इसको underscore ID कहा जाता है. अब क्या होता है कि अगर हम लोग RDBMS का बात करते हैं, तो टेबल बनाते वक्त, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, राइट? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हम लोग जब क्रिएट टेबल बोलते हैं, तो क्रिएट टेबल के अंदर हम लोग को प्राइमरी की बनाकर देना पड़ता है, राइट? अगर नहीं दिया तो टेबल क्रिएट होता है क्या नहीं होता है? आई एम जस्ट आस्किंग यू कि अगर आप लोगों ने प्राइमरी की बनाया ही नहीं, तो क्या तुम्हारा टेबल बनेगा? नहीं बनता है. इट इज अलाउड. ओके, बट MongoDB सेज, Dude, it is not possible without a primary key. If you are not making a primary key or you are not assigning a primary key, don't worry, I will do it. Okay? So, MongoDB के अंदर ये सारा चीज़े automatically होता है. Sure. And the key value is immutable. What do you mean by im? Immutable का मतलब, once created, it can't be destroyed. इसको क्या कहते हैं? Immutable. इसका मतलब अगर मैंने कोई की बना दिया तो ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, चेंज भी नहीं हो सकता. ओके, की के तौर पे हम लोग कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट एरेज. मतलब हम लोग की के तौर पे कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है, लेकिन हम लोग एरेज नहीं दे सकते क्योंकि एरेज के अंदर मल्टीपल डेटा हो सकता है. सो याद रखना, As a primary key, you can set any value in a MongoDB except arrays. Samjhe? So, it's pretty simple. Now, we are going to see a kept collection. Achha, chalo, abhi main aapko ek question poochta hai.
ओके आप लोगों ने वेब सर्फिंग किया रहेगा, ऐसा एक ब्राउजर रहता है, इसके अंदर आप यूआरएल डालते हो एंड देन दैट यूआरएल विल गिव यू सम वेबसाइट। ओके सो कभी आप लोगों ने वेबसाइट को अगर पहली बार हिट किया रहेगा, हिट का मतलब क्या होता है, सी अब सबसे पहला चीज मैं जब यहां पे यूआरएल लिखता है तो यूआरएल लिखने के बाद मुझे यहां पे आउटपुट आता है, मतलब यहां पे इसका मेरे को वेबसाइट दिखाई देता है। लेकिन ये पहली बार जब दिखाई देता है ना तो ये स्लो दिखाई देता है, दिस लोड्स इन अ वेरी आई कैन से बोलते ना इतना फास्ट लोड नहीं होता। लेकिन जब आप उसको सेकेंड टाइम लोड करते हो ना तो ये फास्ट लोड हो जाता है। आपको पता है क्यों होता है ऐसा? योर ब्राउजर मेंटेन समथिंग कॉल्ड एज कैशे। ओके अब मैं आपको कैशे से रिलेट करके कैपिंग बताऊंगा। ओके कैपिंग बोलो कीपिंग बोलो। ओके सो मोंगोडीबी हैज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कैपिंग। ओके इन द कलेक्शन दिस मीन्स इट स्टोर्स द डॉक्यूमेंट इन द कलेक्शन इन एन इंसर्टेड ऑर्डर। यार इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब कैसा है कि एज अ कलेक्शन रीचेस इट्स लिमिट। अभी कलेक्शन का मतलब क्या होता है, सी कैसा होता है मालूम है, मोंगोडीबी है ना डेटा को फाइल्स में स्टोर करता है। ओके फाइल्स ठीक है। अब अगर मैंने एक डीबी बना दिया और डीबी बनाने के बाद एक कलेक्शन बना दिया, तो एक कलेक्शन बोल दिया, तो सपोज ये 1 GB का एक फाइल हो गया, तो 1 GB के फाइल में सर्च करना आसान होगा क्या? नहीं, इट विल बी मोर डिफिकल्ट, क्योंकि इस 1 GB का डेटा को हम लोग पहला ओपन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड इट। सो ये थोड़ा सा तकलीफ दे हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंट मतलब आई कैन से कलेक्शन जो है, कलेक्शन को हम लोग तोड़ने को चालू कर देते हैं। तो 1 GB का डेटा हम लोग 2 MB में डिवाइड कर लिए। ओके तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते जाते हैं। श्योर सो ऐसा तोड़ने के बाद हम लोग को बहुत बड़ा कलेक्शन मिलता है, इतना याद रखना। अब क्या होता है कि एज द कलेक्शन रीचेस इट्स लिमिट द डॉक्यूमेंट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कलेक्शन। अब वापस वही कलेक्शन के अंदर कौन होता है, डॉक्यूमेंट। सो अब सपोज ये मेरा डेटा है, इसके अंदर मेरा कलेक्शन है। ओके डेटाबेस है, इसके अंदर इतने सारे कलेक्शन है। अब इस कलेक्शन को थोड़ा एलाबोरेट करते हैं। ओके सो इस कलेक्शन के अंदर मैं क्या करता हूं, मेरा डॉक्यूमेंट रखने को चालू कर देता हूं। अरे डॉक्यूमेंट रखते 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 इसका लिमिट पहुंच गया। अभी डॉक्यूमेंट रखते रखते लिमिट पहुंच गया, मतलब ये वाला चीज कहां पे आना चाहिए, नेक्स्ट जगह पे। ठीक है सो ऐसे करते करते वो भरते जाएगा। अब आप बताओ कि आप इंसर्ट कर रहे हो डेटा को, क्या कर रहे हो, इंसर्ट। देखो दिस मीन्स दैट द लीस्ट रिसेंटली इंसर्टेड डॉक्यूमेंट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। मतलब क्या हुआ कि 1, 2, 3 ऐड किया तो पहला 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, बराबर 4 आ गया और मेरा 3 का ही कैपेसिटी है, तो 4 को यहां पे चिपकाना पड़ेगा ना, तो ये यहां से निकल जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन, पहला ये आया था यही बाहर जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। श्योर सो केप्ड कलेक्शन गारंटीज प्रिजर्वेशन ऑफ द डेटा इन इंसर्टेड ऑर्डर। So queries for retrieving the data in an insertion order returns result quickly, क्योंकि उसको पता है इसका लिमिट इतना है 1 से लेकर 10। ओके तो 1 से लेकर 10 का इसका लिमिट है और उसने 10 डॉक्यूमेंट्स रखा है इसके अंदर, तो अगर मैंने 10 डॉक्यूमेंट्स के अंदर सर्च कर दिया तो मेरे को फटाक से मिल जाएगा। और मुझे पता है ना ये सीरियली जाने वाला है तो इसके इंडेक्सिंग की भी जरूरत नहीं। मुझको अगर बोल दिया यार मेरे को 5th डॉक्यूमेंट उठा के दे तो मैं डायरेक्टली 5th डॉक्यूमेंट के ऊपर जंप करेगा। So this is how your kept collection can guarantee you कि अगर आप insert करो तो sequence में ही जाएगा। Okay? अब ये एक छोटा सा example है जो मैंने अभी बताया, उसका animated format है और कुछ नहीं। So suppose आपका एक document है, आपने add किया 1। Okay? Then आप क्या करोगे, दूसरा document add करोगे, then आप लोग क्या करोगे, तीसरा document add करोगे, और ऐसे आप लोग करते ही जाओगे, right? So जैसे जैसे आप लोग करते जाओगे वैसे आपके documents add होते जाएंगे। अब एक 9th वाला डॉक्यूमेंट आप लोग ऐड करोगे, अब जैसे 9th वाला डॉक्यूमेंट आप लोग ऐड करोगे 9th वाला डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा और पहला वाला वैनिश हो जाएगा। वैनिश हो जाएगा मतलब वो कहीं दूसरी जगह पे मूव हो जाएगा। श्योर सो दिस इज हाउ योर कीपिंग वर्क्स। ओके और ये
डायरेक्टली एक्सेसिबल रहता है, मतलब मुझे कहीं से रिट्राइव करने का जरूरत नहीं, ये रेडीमेड है, मतलब रेडी अवेलेबल है, अभी का भी कैसे ताजा ताजा आपके पास रेडी है। सो आप इसके अंदर से सर्चिंग करोगे तो ये फास्ट रहेगा, इवन इसको इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ भी डेटा डाला है वो इसके अंदर अवेलेबल है, देयर इज नो नीड ऑफ इंडेक्सिंग। समझे? अब थोड़ा मजा आने वाला है, ठीक है? सो पॉलीमॉर्फिक स्कीमास क्या होता है? सो जब मैं पॉलीमॉर्फिक स्कीमास का बात करता हूं तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मुझे बताओ। पॉलीमॉर्फिज्म, यार तुम लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कुछ पता है? पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म है नथिंग बट सेम नेम डिफरेंट फॉर्म्स। सो सेम वे पॉलीमॉर्फिक स्कीमास ऐसा ही काम करता है। पॉलीमॉर्फिक स्कीमा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पहला हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज यू आर हैविंग एन एप्लीकेशन दैट लेट्स द यूजर अपलोड एंड शेयर अ डिफरेंट कंटेंट टाइप लाइक एन एचटीएमएल पेजेस, डॉक्यूमेंट, इमेजेस और वीडियोस। ऐसा कहां पे देखने को मिलता है? कभी किया है ऐसा कुछ कि एक जगह पे आप लोग इमेज नहीं वीडियो भी डाल सकते हो, वीडियो नहीं डाल दिया तो पोस्ट डाल दिया, पोस्ट नहीं डाला तो कुछ एचटीएमएल कहां से कॉपी कर लिया पेस्ट कर दिया, कुछ भी डाल सकते हो आप? ऐसा कभी कहीं देखा है तुम लोगों ने? सोचो, है यहां पे भी? ओके, आइडिया आ जाएगा। Although many of the fields are common across all the above contents, okay, जैसा नाम, ID, author, uploaded date, time, सब कुछ सही है, okay, but not all fields are identical. It's pretty simple. For an example, in the case of images, you have to store a binary data, and in case of HTML page, you have to store a large amount of text. So तरीका स्टोर करने का चेंज हो जाता है, हैंडल कैसा करोगे? तो देखो ऐसा करना है मुझे हैंडल, कुछ बड़ा डील नहीं है, आप लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाओगे। ओके, डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से रहेगा कि आप लोग को जो टाइटल रहेगा हर जगह पे कॉमन है, टाइप आपको कॉमन, लेकिन टाइप के अंदर का टाइप अलग है। यहां पे मैं स्टोर कर रहा हूं एचटीएमएल पेज, तो अभी डेवलपर को देखना पड़ेगा कि डेटा स्टोर किस में हो रहा है, एचटीएमएल पेज के अंदर हो रहा है। तो अंदर का जो टेक्स्ट मिलेगा तेरे को वो क्या रहेगा? HTML कंटेंट रहेगा। अभी देखो वही चीज, यहां पे टाइप JPG हो गया। वैसा इमेज को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कैसे एक्सटेंशन है, उसके अंदर JPG होता है, PNG होता है, और आपको बता रहेगा उससे भी ज्यादा एक्सटेंशन। सो यहां पे मैंने बता दिया JPG है और उसका साइज MB में मैंने बता दिया, और उसको स्टोर करने के लिए मैंने बाइट डेटा स्टोर कर दिया। पॉसिबल है, यू कैन स्टोर द बाइट डेटा, but everywhere you will able to see according to the type my some fields are going to get changed. How you are going to handle it? You might have seen this type of things on Facebook. जाकर देख लेना, आपके Facebook के ऊपर भी यही रहेगा। Okay, you are going to add a post, the post can be image, a smileys, okay, or some tagging systems, or I can say locations or gif images, and plenty amount of options will be there. So, इतना सारा ऑप्शंस आप लोग यूज कर सकते हो। यू कैन ऐड पोस्ट इन अ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स MongoDB हैंडल कैसा करता रहेगा? इन दिस वे, समझे? सो Facebook अगर MongoDB यूज नहीं करता या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर यूज नहीं करता तो इसके लिए इतना सारा अलग अलग डेटा का पोस्ट हैंडल करना मुश्किल हो जाता, समझे? सो अगर हम लोग देखें, दिस स्कीमा नॉट ओनली इनेबल्स यू टू स्टोर द रिलेटेड डेटा विद डिफरेंट स्ट्रक्चर टुगेदर इन अ सेम कलेक्शन, इट आल्सो सिंप्लीफाइज द क्वेरी। क्वेरी को सिंप्लीफाई करता है, इसका मतलब क्या? मैं यहां पे सर्च करूंगा, सर्च करते हुए क्या सर्च करूंगा? टाइटल। ओके, टाइटल के अंदर सर्च क्या करूंगा कि क्या टाइटल लिखा है, तो उसको सर्च कर लिया। अगर मैंने बोल दिया फैमिली फोटो तो हो गया काम, लेकिन मेरे को इसमें मतलब नहीं मिलेगा। मुझको सबसे इंपॉर्टेंट सर्चिंग है टाइप। अगर मैंने टाइप के ऊपर सर्च कर दिया, बोल दिया कि HTML पेज है वही दिखा, तो मेरे को सिर्फ HTML पेज का ही डॉक्यूमेंट दिखाई देगा और उसके अंदर से मैं टेक्स्ट नाम का फील्ड उठा लेगा। ओके, वैसा ही जब मैंने टाइप बोल दिया JPEG, तो उसके अंदर से मैं क्या करूंगा? उसका इमेज वाला डेटा उठा लूंगा। तो सर्चिंग करने के लिए बहुत आसान होता है, समझे?
Now let's move ahead. Object oriented programming हम लोग polymorphic schema के ऊपर कैसा use करते हैं समझ में आ गया रहेगा. Now let's go to schema evaluation. Okay, evaluation है क्या? Evaluation है. Evolve, changes. What do you mean by evolve? Evolve का मतलब होता है change. आप एक चीज दिमाग के अंदर रखे हो, कल तक ये चीज एक की दो हो जाती है, इसको कहते हैं इवॉल्व. ये फंडा है कि अगर हमारे पास कुछ डेटा है या फिर डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा सडनली ऐसा दिमाग के अंदर आ जाता है, सुन यार ये डॉक्यूमेंट तो बनाया है सही है लेकिन एक प्रॉब्लम है डूड, इसके अंदर कुछ और फील्ड्स भी ऐड हो जाने चाहिए थे. तो मोंगोडीबी तो सपोर्ट कर रहा है, वी कैन गो एंड ऐड एनी फील्ड, राइट. तो मोंगोडीबी के अंदर जितना भी हम लोग को डेटा ऐड करना है, जितना भी फील्ड्स ऐड करने का ऐड कर लिया है. लेकिन एक बात समझ लो, आप लोग मोंगोडीबी के अंदर जो कुछ भी डेटा स्टोर कर रहे हो, देर इज अ वे ऑफ रिट्राइविंग इट, देर इज अ वे ऑफ रिट्राइविंग द डेटा. सो वेन एवर वी आर गोइंग टू रिट्राइव अ डेटा, वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ डेटा, उस समय पे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. But the thing is that we are going to face some problems because ये जो data है इसको आप लोग को present करने के लिए you write a code. This code can be in Java, okay, your .NET and plenty amount of your programming languages. So what happens, you change the schema in the backend. So देख लो, ये तुम्हारा front end है, ओके श्योर. फ्रंट एंड मतलब यहां पे आपका HTML या फिर कुछ आउटपुट दिख रहा है, लेकिन इसका जो कोड किया है वो जावा में किया है, क्योंकि मैं जावा बोल रहा हूं हर वक्त, इसका मतलब जावा ही रहेगा, ऐसा नहीं. इट कैन बी पाइथन, इट कैन बी एनीथिंग. एंड ये जो डेटाबेस के अंदर से डेटा ले रहा है, दैट इज योर मोंगोडीबी. ओके सो अभी वो मोंगोडीबी से जब मैं डेटा लेते जाएगा तो उस समय पे इस डेटा को जावा अपने हिसाब से प्रेजेंट करेगा. तो मोंगोडीबी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी तो है, जावा में है, पाइथन में है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा. ओके लेकिन यहां पे स्कीमा इवोल्यूशन के अंदर इवॉल्व होने के लिए हम लोग को यहां पे एक नया फीचर मिलता है. देखो कैसा. ओके सी, अब सपोज यूजर ने या फिर टीम ने डिसाइड कर लिया कि सुनो यार एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना है. ओके तो वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नाम का फील्ड ऐड कर दिया, तो इससे क्या हो गया, मेरा स्कीमा हो गया चेंज. ठीक है, अब मेरे पास स्कीमा चेंज हो गया तो वो क्या करेगा मालूम है क्या, जैसे नया स्कीमा बन जाएगा इट विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट, एक ओल्ड और एक न्यू. ओके सो देर विल बी ओल्ड स्टाइल एज वेल एज न्यू स्टाइल, ओल्ड स्टाइल भी रहेगा और न्यू स्टाइल भी रहेगा. इस वजह से क्या होने वाला है, जो मेरा जावा का कोड था वो ओल्ड स्टाइल से डेटा रिट्राइव करते रहेगा, मतलब मेरा एप्लीकेशन रुकने नहीं वाला है. ओके थोड़ा और देख लेते हैं एलाबोरेट करके. ओके सो यहां पे सपोज आपका जावा एप्लीकेशन है, ठीक है, यहां पे आपका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैंने बोला यहां पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, एंड माय कोड इज अकॉर्डिंग टू योर दिस कॉलम्स. Now the thing is that I have changed the schema. मैंने यहां पे fifth column भी add कर दिया. Okay, 1, 2, 3, 4 and 5. So this becomes my old and this becomes my new. So what is going to happen? It is going to create a copy of it and it is going to say it is old one and this is a new one. Whenever you are going to store the data, you are going to store it in your old one also and new one also. So जब तक मैंने ये चेंजेस, मतलब यहां पे जो चार कॉलम्स हैं वो यहां पे चार कॉलम्स के हिसाब से कोड लिखा हुआ है, तो जब तक मेरा टोटल माइग्रेशन नहीं होता, नया कोड रेडी नहीं होता, तब तक इसके ऊपर काम होता रहेगा, मतलब मेरा एप्लीकेशन चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है. एंड जब मैंने जावा का नया कोड बना लिया जो हैंडल कर सकता है इस पांच कॉलम्स को, ये माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उस समय पे इट विल स्टार्ट रिट्राइविंग द डेटा फ्रॉम दिस न्यू वन. ओके सो ओल्ड एंड न्यू दोनों पैरेलली चलता रहेगा. लेकिन जब आपका पूरा का पूरा माइग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसको क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो, काम खत्म. समझे,
Okay, so once migration is complete, you just have to require to update, or I can say remove the code, or I can say add the code, and new code ke hisab se sab kuch naya naya cheeze aane ko chalu ho jayega. It's pretty simple and it is beautiful also. Aapka kahi pe bhi code ya server ko rokne ka zarurat nahi padega. Samjhe? This is the beauty of it.